छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगे कोरोना लॉकडाउन पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को एक साथ सभी जिलों में लॉकडाउन लगाना चाहिए। जिलों में एक एक हफ्ते के लॉकडाउन लगाने से कोरोना का आंकड़ा खत्म नहीं होने वाला। कौशिक ने यह भी कहा कि लॉकडाउन में सरकार को मुफ्त में राशन देना चाहिए। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा भयावह हो चुका है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। हालांकि सर्वदलीय बैठक कब बुलाई जाएगी, किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, आमंत्रित किया जाएगा, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो चर्चा हुई है उनके अनुसार यही कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी हैं। कौशिक जी, आपसे पहला सवाल यही था कि लॉकडाउन लगाया गया है, सर्वदलीय बैठक में आप लोग भी जाएंगे, क्या लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति अभी क्या है? अभी पहली बात तो यह है कि केवल कागजों के आधार पर जानकारी हो रही है। पिछले मार्च से सरकार ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि यहाँ जनप्रतिनिधियों की बैठक बुला करके कोई बातचीत करनी चाहिए। यदि आपने लॉकडाउन किया है तो आपको आधे अधूरी लॉकडाउन नहीं करनी चाहिए। जब तक आप कोरोना को चेन को नहीं तोड़ेंगे तब तक लॉकडाउन के लिए आपको आगे बढ़ाने के प्रयास होनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ एक सप्ताह का किया, उसके बाद में आपने दूसरे सप्ताह में आपने दूसरे जिला में किया, तो लॉकडाउन का लोगों को सबब केवल परेशानी की हो रही है। इसलिए लॉकडाउन को एक साथ करने की आवश्यकता है तो इसका लाभ दिखेगा। और दूसरे बात, अभी कोरोना की जो स्थिति बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन को बढ़ाने के स्थिति में है। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विभिन्न जिलों में जो लॉकडाउन लगाए गए हैं इसमें से कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी तारीख जो है लॉकडाउन की खत्म होने वाली है, ऐसे में इसका फायदा जो है छत्तीसगढ़ को नहीं मिलने वाला है, इसलिए सरकार को एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सोचना चाहिए। अब देखना होगा सर्वदलीय बैठक होगी उसमें भाजपा और अन्य दल या समाज के प्रमुख जो है किस किस तरीके से सुझाव दे रहे हैं और जिसे राज्य सरकार स्वीकार कर रही है। कैमरा मैन रामाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।